सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत सेंधवा शहर में पुलिस द्वारा निशुल्क आई चेकअप कैंप का किया गया आयोजन। सेंधवा शहर पुलिस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल सेंधवा के सहयोग से नए बस स्टैंड पर आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के ऑटो रिक्शा चालक, बस ड्राइवर सहित विभिन्न चालकों ने अपनी आंखों का चेकअप कराया। आंखों का चेकअप भगवती शरण भाटिया सिविल हॉस्पिटल सेंधवा के द्वारा किया गया। जांच के दौरान कई लोगों की आई साइट कमजोर होना पाई गई, जो दूरदर्शी एवं निकटदर्शी दोस्त का पाए जाने पर उनको उचित चश्मा लगाने की सलाह दी गई। टीआई सेंधवा सिटी राजेश यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस प्रकार की सेंधवा शहर पुलिस की गतिविधियां जारी रहेगी। फ्री आई चेक कैंप में बीएमओ सेंधवा सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर ओंकार सिंह गणेश, भगवती शरण भाटिया, सेंधवा शहर थाना प्रभारी राजेश यादव व उनका स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए, ये पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा यातायात सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, उसी के तारतम्य में एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो यातायात दुर्घटनाएं हो रही है इन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। उसी तारतम्य में ये जो सिविल हॉस्पिटल सेंधवा है, बीएमओ साहब के संयोग से यह कैंप सेंधवा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। और ये जो सड़क दुर्घटनाएँ होती है, इन दुर्घटनाओं में एक कारण ये भी है कि कई जो दुर्घटनाओं का कारण है आई साइट कमज़ोर होना। कई बार हम अपने आँखों के चेकअप नहीं कराते और हमें उसका जानकारी नहीं रहती कि आई कमज़ोर है और ये घटनाएँ दुर्घटनाएँ रात में हो जाती है। इसी को देखते हुए आई कैंप यहाँ आयोजित किया गया है। ये निःशुल्क है पूरी तरह से, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी आँखों की जाँच करा सकता है। इससे ये पता पड़ जाएगा कि उनकी आँख की दृष्टि ठीक है या नहीं, और उस अनुसार फिर वो अपनी आँखों का इलाज करवा लेंगे, ताकि भविष्य में वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो, कोई एक्सीडेंट का शिकार ना हो। उसी को देखते हुए ये पूरा कैंप आयोजित किया गया है। महिला अपराधों को लेकर एसपी कार्यालय में खरगोन निमाड़ रेंज डीआईजी तिलक सिंह द्वारा समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निमाड़ रेंज खरगोन डीआईजी तिलक सिंह के बड़वानी दौरे पर एसपी कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शुक्ला, राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों के साथ महिला संबंधी अपराध, बलात्कार एवं बच्चों के पास्को अधिनियम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, जाकर अनुसंधान अधिकारियों को अनुसंधान में तत्परता पूर्वक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आगामी गणेशोत्सव पर्व पर कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन समिति के समन्वय स्थापित कर पर्व के दौरान चल समारोह में सुरक्षा के पुख्ता एवं बेहतर सुरक्षा प्रबंध किए जाकर पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज बड़वानी जिले के भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी साहब के साथ में और जिले के जो राजपत्र अधिकारी हैं, थाना प्रभारी, उनके साथ में महिला अपराधों की समीक्षा की गई है। खासतौर से नाबालिग बच्चियों से संबंधित प्रकरण हैं, बलात्कार से संबंधित प्रकरण हैं, उन प्रकरणों की समीक्षा की जा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ अभी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें आईजी साहब, कमिश्नर साहब ने भी आगामी गणेश उत्सव को लेकर के समीक्षा की गई है। और उस संबंध में भी मेरे द्वारा मीटिंग में चर्चा की गई है कि गणेश चतुर्थी को और गणेश विसर्जन के दौरान कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं, इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और कि कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी, इस संबंध में भी चर्चा की गई है। बड़वानी एसडीएम ने किया सिलावद अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण। शुक्रवार बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनकर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलावद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित नहीं पाए जाने पर उन्होंने उपस्थित पंजी देखते हुए 17 कर्मी अनुपस्थित पाए जाने पर विकास खंड चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम, बीसीएम, अकाउंटेंट मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी भी अनुपस्थित पाए गए, जिनके विरुद्ध कार्रवाई का प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजा जाएगा। निरीक्षण के दौरान कुछ डॉक्टर्स के द्वारा फील्ड में भ्रमण पर होना बताया गया, जिसे वीडियो कॉल के माध्यम से सत्यापित भी किया गया। वहीं इस दौरान श्री धनकर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अस्पताल में मिलने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं तथा निःशुल्क दवाइयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। परिसर की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं अस्पताल में हो रहे पैथोलॉजी जाँच सुविधा की जानकारी लेने पर पाया गया कि सेंट्रल लैब की जाँच सुविधाओं के तहत कुल 98 प्रकार की जाँच होना चाहिए, परंतु फिलहाल मात्र 34 प्रकार की जाँचें हो रही है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास अधिकारी अजय गुप्ता, तहसीलदार संजय चौहान भी मौजूद रहे। आज सिलावद सीएचसी का टीम के द्वारा संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में वहाँ कई प्रकार की व्यवस्थाओं को देखा गया। वहाँ की सेंट्रल लैब का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पाया गया कि वहाँ 98 प्रकार की जांचें होना चाहिए, परंतु अभी
34 टाइप की जांच ही हो रही है। इसको लेकर संबंधित को निर्देश दिए हैं कि सभी जांचें वहाँ पे उपलब्ध करवाएं, साथ ही वहाँ की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, मेडिसिन और डिलीवरी पॉइंट सभी का भी निरीक्षण किया गया और जो कमियाँ थी उनको दुरुस्त करने के संबंधितों को निर्देश दिए हैं। और साथ ही निरीक्षण के दौरान वहाँ 22 अधिकारी जिसमें BMO, BPM, BCM, BE आदि भी जिम्मेदार जो अधिकारी सब अब्सेंट थे, तो जो लोग अनुपस्थित थे इनके ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।